आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। दिल्ली के भारत मंडपम में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना और चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला। शिव शक्ति पॉइंट के जरिए अंतरिक्ष पर नाम दर्ज कराने वाले दिन को राष्ट्रीय स्पेस डे नाम दिया गया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मेड द हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द मून। द विक्रम एज वेल एज द प्रज्ञान मेड हिस्टरी। दिस 23 अगस्त 2024 वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल स्पेस डे अनाउंस्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑन the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country organized, culminating in the first anniversary celebration of this historic day at New Delhi. I wish all of you join this celebration, be part of this celebration and have the Space Day, the maiden Space Day celebrated all across the country with great enthusiasm and joy. Thank you. भारत में काफी लंबे वक्त से अटकी हुई जनगणना जल्द ही शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस साल सितंबर में जनगणना शुरू होगी, जिसे पूरा होने में करीब 18 महीने लगेंगे। बता दें कि देश में हर 10 साल पर जनगणना होती है, लेकिन कोविड की वजह से साल 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हो पाई थी, जिसे अब पूरा किया जाएगा। पिछली बार साल 2011 में देश के अंदर जनगणना हुई थी। इस बार की जनगणना कुछ अलग तरीके से होगी। दरअसल इस बार डिजिटल तौर पर होगी। देश के नागरिकों को खुद अपनी जानकारी रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल होने से इसके सटीक होने की उम्मीद काफी बढ़ जाएगी।